Hi today in this video we will discuss about cleaning validation and importance of cleaning validation in pharmaceutical industries let's continue the video so what is cleaning validation it is a documented act of demonstrating that cleaning procedure for the equipment used in the fabrication packaging will reduce an acceptable level of all residues the product and cleaning agent and to demonstrating that And of allow so क्या होता है एक डेमोन्स्ट्रेट uh, करता है जो बताता है कि आपने जो भी क्लीनिंग प्रोसीजर्स आप यूज कर रहे हो वो क्लीनिंग प्रोसीजर आपके जो भी ए पी आई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडियंट्स और क्लीनिंग एजेंट्स है उनको इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए uh, वैलिड है मतलब जो भी ए है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स है और जो भी एक्सीपी और क्लीनिंग एजेंट्स आप यूज कर रहे हो उनको जो क्लीनिंग प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो उसके थ्रू इफेक्टिवली रिमूव कर सकती है वो प्रोसेस सो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन पर्टिकुलर अटेंसन शुड बी अकॉर्डेड टू द वैलिडेशन ऑफ क्लीनिंग प्रोसीजर्स

वो आपको वीडियो में अर्लियर पता चल गया होगा कि जो भी रेसिड्यूज़ हैं एपीआई के हो या एक्सीपी के हो या क्लीनिंग एजेंट्स के हो तो उनको रिमूव करने के लिए इफेक्टिवली हम क्लीनिंग वैलिडेशन करते हैं और क्लीनिंग वैलिडेशन का जो मेन इम्पोर्टेंस है वो यही है कि जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो भी इक्ुपमेंट हम दूसरे प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में उसका कोई भी रेसिड्यूज का कैरी ओवर नहीं हो और अगर कैरी ओवर होता है तो एक विद इन डिफाइंड एक्सेप्टेंस लेवल तक ही हो जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी पर कोई इम्पैक्ट ना हो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट ना हो सो डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड करता है क्लीनिंग वैलिडेशन करने के लिए पिक्स रिकमेंड करता है क्लीनिंग वैलिडेशन करने के लिए एफ डी ए भी रिकमेंड करता है और कंक्लूजन का बोलता है कि आप एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ही आप आगे नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट रहता है उसमें एक एक्सेप्टेबल लेवल तक का जो रेसिड्यूज है वो आप कैरी ओवर कर सकते हो वो सब डिफाइन आपको करना होता है सो टाइप्स ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन स्टडीज तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन जनरली दो टाइप के क्लीनिंग वैलिडेशन स्टडीज होती हैं डी एंड सी ई एस टी डी एस टी मीन्स डी इक्विपमेंट होल टाइम स्टडीज एंड सी एस टी मीन्स क्लीन इक्विपमेंट होल टाइम स्टडीज Clean equipment whole time study. So, what is clean equipment whole time study? Whole time study shall be carried out to ensure the suitability of clean equipment stored in its prescribed storage conditions, such and doesn't increase the microbial contamination level more than the limit for freshly cleaned equipment. क्लीन इक्विपमेंट होल टाइम स्टडीज में क्या होता है कि आप एक इक्विपमेंट को क्लीन करके और उसको स्टोर करते हो एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए और उस डिफाइंड टाइम पीरियड में आप उसके सैंपल्स कलेक्ट करते हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक टाइम इंटरवल जैसे फोर आवर्स एट आवर्स ट्वेल्व आवर्सटीन ट्वेंटी आवर्स फोर्टी आवर्स थर्टी आवर्स जो भी आप डिफाइन करते हो अपनी प्रोसेस में उस हिसाब से आप सैम्पलिंग करते हो और चेक करते हो कि किस लेवल तक कितने टाइम पीरियड तक मैं उस इक्विपमेंट को क्लीन करके रख सकता हूं जिससे कि उसमें कोई भी माइक्रोबियल प्रोलिफ़ेरेशन ना हो एंड डर्टी इक्विपमेंट होल टाइम स्टडी डी एस टी द डर्टी इक्विपमेंट होल टाइम स्टडीज शेल बी कैरीड आउट टू एंश्योर द माइक्रोवेल प्रोलीफेरेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड द सेम सेल वी पॉसिबल टू क्लीन डर्टी इक्विपमेंट होल टाइम स्टडी में क्या होता है कि आप जब भी कोई एक बैच बनाते हुए कोई प्रोडक्ट के लिए आप कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रोमेंट टैंक वगैरह यूज़ करते हो आप तो उस बैच बनाने के बाद में या उस एक्टिविटी को कम्प्लीट होने के बाद में आप उसको कितने टाइम पीरियड के लिए डर्टी रखोगे या रख सकते हो जिससे अगर जैसे चार घंटे आपने यूज करने के बाद में चार घंटे तक होल्ड करके रखा है आठ घंटे सोलह घंटे ट्वेंटी फोर आवर्स थर्टी सिक्स आवर्स फोर्टी एट आवर्स इतना जो भी आपने डिफाइन टाइम पीरियड डिफाइन किया हो उसमें आप रखते हो तो उतने टाइम पीरियड के बाद में अगर आप जो आपकी वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर है उससे आप क्लीनिंग करते हो तो वो जो रेसिड्यूज हैं या फिर जो वो डर्टी इक्विपमेंट है वो ईजिली क्लीन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है वो सब वैलिडेट करने के लिए आप डेट इक्विपमेंट होल टाइम स्टडी करते हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान